हेलो मित्रों, मैं संदीप कौशिक आपका स्वागत करता हूं जीके सेक्शन डॉट कॉम के ऑनलाइन वीडियो पोर्टल में। और आज आप यहां देखने वाले हो शिक्षण योग्यता संबंधित प्रश्न उत्तर हिंदी भाषा में भाग 6 के। प्रिय दोस्तों, जैसा कि हम बताते आए हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड एक ऐसा विषय है जिसके सवाल जवाब DS, SSB, PGT, UGC, BEd एवं CTET जैसी परीक्षाओं में पूछ ले जाते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 में पूछा गया है कि छात्रों में श्रम का महत्व भावना का क्या अर्थ होता है। ए, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। बी, शारीरिक श्रम करने से मान सम्मान नहीं घटता। या सी, सभी काम समान रूप से इज्जत वाले होते हैं। या फिर डी, ये सभी कथन सत्य हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, यानी कि ये सभी कथन सत्य हैं। तो दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। पूछा गया है बाहरों के लिए शिक्षा व्यवसाय व्यवस्था के क्षेत्र में किसका नाम उल्लेखनीय है। ए, विलियम जॉन्स का। बी, एनी वेसेंट का। सी, मोरिया मॉन्टेसरी का। या डी, हेलन केलर का। इसका जो सही उत्तर है वो है हेलन केलर। हाँ जी, बाहरों के लिए शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में हेलन केलर का नाम उल्लेखनीय है। तीसरा प्रश्न, किसी शिक्षक में न्याय और निष्पक्षता का गुण ना हो तो इसका क्या परिणाम होता है। ए, इससे शिक्षक विश्वास खो देता है और उसे सम्मान भी नहीं मिलता। इससे छात्रों का हित नहीं हो पाता। इससे शिक्षक की आत्मा बढ़ जाती है। या शिक्षक निरकुंस बन जाते हैं। इसका सही उत्तर है वो है ए, इससे शिक्षक विश्वास खो देता है और उसे सम्मान भी नहीं मिलता। चौथा प्रश्न पूछा गया है कि छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण किसके द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। ए, दर्शन एवं मनोविज्ञान के शिक्षा द्वारा। तर्कसंगत विचारों के प्रस्तुतिकरण द्वारा। विज्ञान की शिक्षा के द्वारा। ये सभी कथन सत्य हैं। तो इसका सही उत्तर है बी, तर्कसंगत विचारों के प्रस्तुतिकरण द्वारा। पाँचवा प्रश्न, शिक्षण के लिए ज्ञान प्रशिक्षण अनुभव तथा अनुसंधान के अलावा और किस बात की आवश्यकता हो पड़ती है। ए, सकारात्मक अभिवृत्ति की। बी, अभिरुचि की। बी, सी, उपरोक्त दोनों। या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है उपरोक्त दोनों, यानी कि सकारात्मक अभिवृत्ति व अभिरुचि की। छठा प्रश्न, अध्यापक को निम्न में से किससे महत्व देना चाहिए। छात्रों के भविष्य को लेकर चिंतित रहना। कक्षा में समर्पण भाव से शिक्षण करना। या सी, प्रधानाचार्य से अच्छे संबंध बनाना। या डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, कक्षा में समर्पण भाव से शिक्षण करना। सातवां प्रश्न, कक्षा शिक्षण के दौरान आप छात्रों से कैसे प्रश्न पूछेंगे। ए, बालक के पूर्ण ज्ञान से संबंधित। बी, पहले पढ़ाए गए पाठ्य से संबंधित। या सी, उस पाठ से संबंधित जो उस समय पढ़ाया जा रहा है। या फिर उपरोक्त सभी। उसका सही उत्तर है वो है उपरोक्त सही। जी हाँ, कक्षा शिक्षण के दौरान आप छात्रों को किस तरीके से प्रश्न पूछेंगे। तो इसके तीनों ऑप्शन सही है, यानी कि बालक के पूर्ण ज्ञान से संबंधित, सब वे पहले पढ़ाए गए पाठ से संबंधित, वे उस पाठ से संबंधित जो उस समय पढ़ाया जा रहा है। आठवां प्रश्न, शिक्षण अभिरुचि का एक महत्वपूर्ण पहलू इनमें से क्या होता है। ए, शिक्षण को छात्र उन्मुख बनाने की क्षमता। बी, शिक्षण को रोजगार उन्मुख बनाने की क्षमता। सी, छात्रों की क्रियाशीलता पर अंकुश लगाने की क्षमता। या फिर डी, ये सभी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, यानी कि शिक्षण को छात्र उन्मुख बनाने की क्षमता। आठवां प्रश्न, शिक्षक को कक्षा शिक्षण के दौरान किस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए। ए, कोई छात्र इधर उधर ना ध्यान दे। बी, छात्र प्रसन्नतापूर्वक पढ़ें। सी, पाठ के उद्देश्य पूर्ण हो। या फिर डी, पाठ पढ़ाने का कार्य पीरियड के समय से पूरा हो जाए। सही उत्तर है इसका सी, पाठ के उद्देश्य पूर्ण हो। दसवां प्रश्न, यदि किसी कक्षा में अधिकांश छात्र प्राय ऊँगते हुए पाए जाएं तो डैश, ए, शिक्षण में कोई कमी हो सकती है। छात्रों में कोई कमी हो सकती है। ऐसी कक्षा के भौतिक वातावरण में कोई कमी हो सकती है। या फिर ये सभी। इसका सही उत्तर है ये सभी कथन सत्य हैं। जी हाँ, यदि किसी कक्षा में अधिकांश छात्र प्राय ऊँगते हुए पाए जाएँ तो शिक्षण में कोई कमी हो सकती है, वे छात्रों में कोई कमी हो सकती है, और कक्षा के भौतिक वातावरण में भी कोई कमी हो सकती है। तो इसके तीनों कथन ये सत्य थे। तो प्रिय दोस्तों, आज के टीचिंग एप्टीट्यूड संबंधित 10% समाप्त हुए। मैं उम्मीद है आपने ध्यान से देखे होंगे, ध्यान से पढ़े होंगे। यदि इनकी PDF आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी आपको अवेलेबल मिलेगी हमारी वेबसाइट पर, जिसका नाम है www.gksection.com। साथ ही इन सभी प्रश्न के उत्तरों की संक्षिप्त में जानकारी भी आप पढ़ सकोगे। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। एंड यदि इस वीडियो की तरह ही ज्ञानवर्धक वीडियो और पाना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। वह बेल आइकन को जरूर क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।